द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोग रात दिन सोशल मीडिया या गोदी मीडिया में बैठ के दलाली करते हैं, उनकी छाती पर इस वक्त सांप लौटने लगा है। वजह क्या है उसकी? कर्नाटक। कर्नाटक चुनाव में जिस तरह की फर्जियत भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही है और जो पूरा कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी मुक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको देखकर भाजपाइयों में तो चिंता है ही है, लेकिन जो दलाली करते रहते थे उनमें भी चिंता की लहर जरूर होगी, क्योंकि कांग्रेस की लहर जो है वो थूपड़ा साफ करती हुई दिख रही है। कहां पर? कर्नाटक में। जितने गोदी मीडिया पर आने वाले पोल्स हैं, सर्वेज हैं, वो बड़े बड़े सर्वेज, बड़े बड़े पोल्स जो ओपिनियन पोल्स होते हैं या सर्वेज होते हैं, वो साफ तौर पर बीजेपी का सूपड़ा साफ दिखा रहा है और कांग्रेस की भारी लहर दिखा रहे हैं, जिसको देखकर अच्छी खासी चिंता भाजपा की, भाजपा के समर्थकों की बढ़ रही है। आज बच्चा बच्चा कह रहा है कि बीजेपी की सरकार वहां जा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। रणविजय सिंह ने कई पोल्स डाले हैं, पत्रकार हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनके, कर्नाटक चुनाव से जुड़े कुछ सर्वे आए हैं। एबीपी का सी वोटर पोल कह रहा है कांग्रेस को 115 से 127 सीट्स मिलेंगी, 226 सीट्स हैं शायद वहां पर टोटल, और बीजेपी को 68 से 80 सीट्स मिलेंगी, जेडीएस 23 से 35 सीटों पर जाएगी। ऐसे में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और बहुमत का आंकड़ा आसानी के साथ पार करते हुए कांग्रेस दिख रही है, और बीजेपी किसी के साथ भी जाके मिल जाए उसके बाद भी वो बहुमत तक नहीं पहुंच रही है। मतलब जेडीएस का हाथ भी थाम ले, अगर वो किंग मेकर की पोजीशन में आ जाए ऐसे, तो वो भी नहीं संभव हो रहा है। मतलब सुपड़ा साफ है। पोल ऑफ पोल सर्वे कहता है कांग्रेस को 134 से 140 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 54 से 61 सीटें मिलेंगी, जेडीएस को 17 से 20 मिलेंगी। ज्यादातर लगभग जेडीएस के लिए 17 सीट्स के अनुमान लगाया जा रहा है और कांग्रेस का हर सर्वे में 125 से ऊपर दिख रहा है। तो पोल्स ऑफ पोल तो कह रहा है कि 134 मिनिमम कांग्रेस को मिलनी है, 140 मैक्सिमम जानी है। 54 मिनिमम जो बीजेपी की दिख रही है, तो सिर्फ 61 है जो बीजेपी की मैक्सिमम हो सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस की कंफर्टेबल मेजोरिटी की सरकार, ये दोनों पोल्स कह रहे हैं। तीसरा है डेली ट्रैकर का। इसमें डेली ट्रैकर ने दावा किया है कांग्रेस को 153 सीटें मिलनी है, बीजेपी को कुल 42 सीटें मिलनी है, जेडीएस को 17 सीटें मिलनी है और अदर्स के खाते में 12 सीटें आनी है। लोक पोल सर्वे जो है उसने कहा है कांग्रेस को 128 से 131 सीटें, बीजेपी को 66 से 69 सीटें, 70 से कम में सिमट जाएगी, जेडीएस को 21 से 25, अदर्स को 2। ऐसी स्थिति के अंदर साफ दिखाई दे रहा है कांग्रेस की लहर, और जिस तरह की रैलीज राहुल गांधी जी की हों या वहाँ के लोकल लीडर्स हों, सिद्धरमैया जी, डीके शिव कुमार जी, इन लोगों की रैलीज के अंदर भी बहुत भीड़ आ रही है। खासतौर पर खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और कर्नाटक से ही आते हैं, वहीं उनकी सबसे ज़्यादा राजनीति का दौर निकला है, वो भी सभाएं कर रहे हैं, वो भी पब्लिक मीटिंग्स ले रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों के अंदर एक भीड़ है, कांग्रेस के साथ एक भीड़ दिख रही है, और कांग्रेस बिना अलायंस के गई है उसमें आगे, सिर्फ उसी के कार्यकर्ता, उसी के नेता हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का हाल ये हो गया है, एक तो लिंगायत कम्युनिटी के सबसे बड़े बड़े नेता, सबसे स्ट्रांग कम्युनिटी है पॉलिटिकली, सबसे बड़े बड़े नेता एक्स चीफ मिनिस्टर शेट्टर साहब हों या सावड़ी साहब हों, एक्स डिप्यूटी सीएम, ये सब के सब कांग्रेस में चले गए हैं, बीजेपी छोड़ दी है इन्होंने। बगावत बहुत पीक पर रही है बीजेपी का। ये साउथ इंडियन इकलौता स्टेट है जो बीजेपी के पास रहा था, बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ के बम्बई विधायकों को ले जाया गया था, उड़ा के क्या क्या किया गया था, लेकिन अब ये भी ज़्यादा दिख रहा है। तो कर्नाटक में एक बात तो ये दिख रही है कि ये जो बीजेपी चुनाव के बाद कर्नाटक में क्लीन स्वीप साफ कर देगी, साफ हो जाएगी, और बीजेपी अब साउथ इंडिया में दिखेगी नहीं, क्योंकि ये एक ही जगह थी जहाँ थी। अलायंस में तमिलनाडु में भी नहीं बची है सरकार के अंदर, तेलंगाना में है नहीं, आंध्रा में है नहीं, ये सारी चीज़ें जो है बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। शायद यही वजह है कि इस सब हार को देखते हुए मोदी जी ने अपने दौरे बिल्कुल ख़त्म कर दिए। मोदी जी जो चुनावों की तैयारियों से पहले कर्नाटक कई बार जा रहे थे, अब वो कर्नाटक का रुख ही नहीं कर रहे हैं। आप हैरानी करेंगे, चुनाव कर्नाटक में है, दौरे मोदी जी के मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इधर हो रहे हैं, जहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो अभी रीवा का कल हुआ है, इससे पहले ही मध्य प्रदेश आके चले गए भोपाल। तीसरा दौरा ही मध्य प्रदेश का आगे का प्रपोज्ड है, शायद उनके प्लान में डल चुका है सांची का। तो ये हाल हो चुका है कि चुनाव हो रहे हैं कर्नाटक में, मोदी जी के दौरे हिंदी पट्टी में हो रहे हैं, तो बीजेपी शायद समझ गई है कि कर्नाटक साफ हो रहा है, अब हार का जिम्मा बम्बई साहब पे डाला जाए और मोदी जी को वहाँ पे भेजने से ख़त्म रोका जाए, ताकि हार का ठीकरा मोदी जी के सर पे नहीं आए। तो अब ये सब कुछ ये लिखा भी आगे कि फिलहाल मोदी कर्नाटक से दूरी बनाना बताता है कि बीजेपी के लिए सब चंगा नहीं है, रणविजय ने लिखा।
जबकि जब ये टिकट वितरण हो रहे थे तो बीएल संतोष जो हैं बीजेपी के और आरएसएस के बड़े वहां पे प्रभारी भी हैं कर्नाटक के, जहां तक मेरी जानकारी है, उनको उनके और येदुरप्पा जी के बीच में कुछ तिफ भी हुआ था टिकट वितरण को लेकर, जिसको प्रशांत भूषण जी ने कल डाला भी है और जनसत्ता का उन्होंने वो अखबार कवर डाला था जब येदुरप्पा जी टिकट को लेकर वहां पहुंचे थे टिकट के सिलसिले में दिल्ली। जनसत्ता ने लिखा था कर्नाटक चुनाव जब उम्मीदवारों की लिस्ट पर बोले बी एस येदुरप्पा, ऐसे तो हार पक्की है, दिल्ली में अकेले खाने गए रेस्टोरेंट। मतलब टिकट की लिस्ट देखकर येदुरप्पा जी ने ये कह दिया था, ये जनसत्ता ने दावा किया है कि ऐसे तो हार पक्की है हमारी, और फिर अकेले वो खाना खाने चले गए थे रेस्टोरेंट में। प्रशांत भूषण जी ने कल लिखा, मोदी शाह ने भाजपा को अपनी बपोती बना लिया और देश को अडानी के हाथ बेच दिया है, अब उन्हीं कैंडिडेट्स का चयन होगा जो उनके सामने गड़गड़ाते हुए लेट जाएं। भाजपा की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कर्नाटक उसका ट्रेलर है, आगे आगे देखिए भाजपा का सफाया होने वाला है। ऐसे ही अब मैं आपको दिखाता हूं दो वीडियोस कि बीजेपी के साथ क्या कर रहे हैं वहां के लोग और कांग्रेस का साथ कितनी भीड़ आ रही है। सबसे पहले देखिए बीजेपी का क्या हाल किया है। एक पूरा बीजेपी का विजय रथ है या कैंपेन का जो ट्रक है वो जा रहा था, लोगों ने धक्के दे दे के और मार पीट कर वहां से भगाया है बीजेपी के रथ को और बीजेपी के नेताओं को। विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने लिखा है इस वीडियो को डाल के कि भारत की राजनीति ऐसी कभी नहीं थी, बीजेपी के रथ को उम्मीदवारों को कर्नाटक चुनाव में जनता भगा रही है, स्वस्थ राजनीति के लिए उचित नहीं है, लेकिन जो बोया है वो तो इन्हें भी काटना ही पड़ेगा, और हाँ आप टोपी से नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि टोपी है ही नहीं। अब ये वीडियो के अंदर आप देख लीजिएगा कि सब लोग जो पीट पीट के इनको भगा रहे हैं, कभी इन्होंने इन पर भरोसा रखा था, लेकिन आज हालत देखिए बीजेपी की कर्नाटक में क्या हो गई। वहीं कांग्रेस को लेकर जो हर रोज वीडियोज आ रहे हैं उसमें भीड़ ही भीड़ है, राहुल गांधी जी के दौरों में जन सैलाब से निकल के आ रहा है सामने, जो साफ परिवर्तन की इबारत जो है वो दीवार पे लिखता है और उसको ही देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा के क्या हाल होंगे। मंजीत सिंह घोषी ने एक वीडियो डाला है कांग्रेस में, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई है, ये वीडियो देखिए और कांग्रेस का राहुल गांधी जी का रोड शो देखिए और उसमें भीड़ देखिए, ये भी कल का है। एक तरफ बीजेपी के धक्के दे के बाहर भगाया जा रहा है और कांग्रेस की भीड़ देखिए। तो इसी सारी चीजों को देखते हुए नड्डा जी ने धमका भी दिया था, नड्डा जी ने कह दिया था कि भाई अगर विकास का जो पथ चल रहा है, विकास की जो गाथा लिखी जा रही है, निरंतर विकास करवाना है तो मोदी जी का आशीर्वाद बना रहा है तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार लाई है, तो जिसको धमकी के तौर पर देखा गया और नुकसान हो गया। वायर ने एक खबर और लिखी कि बीजेपी की जो कर्नाटक में सरकार है उसने 385 क्रिमिनल केसेस, जिसमें 182 हेट स्पीचेस पे और गौ रक्षा को लेकर जो दंगाई करी वो थी और सांप्रदायिक हिंसा के, उसके सरकार में पिछले 3 सालों के अंदर हटाए हैं। मतलब जाते जाते अपने नेताओं पे से, अपने कार्यकर्ताओं पे से ये केस भी हटाना, क्योंकि मालूम है फिर आगे जाके इनकी परेशानियां बढ़ेंगी। खैर इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, जनता को कम से कम आप जागरूक कीजिए अगर गोदी मीडिया भ्रमित कर रही है तो। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।